पार्ट टू में आपका स्वागत है। यहाँ का प्रोग्राम हमारा सडनली बना, यहाँ आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, बस बस में बैठने के बाद सभी का प्रोग्राम बन गया, चलो आगे तो चल पड़े। तो हमारा पड़ाव है शाकुंभरी देवी, पर शाकुंभरी देवी से जाने से पहले बाला सुंदरी पर मत्था टेकना होता है, ऐसा मान्यता है। तो चलते हैं हम बाला सुंदरी मंदिर। यहाँ भी हम लोग पहली बार आ रहे हैं और इसके बारे में भी हमें रास्ते में ही लगा पता कि शाकुंभरी देवी आने से पहले यहाँ पर आया जाता है, बाला सुंदरी मंदिर है ये। रास्ते में पता चला कि ये सहारनपुर हाईवे पे है, यहाँ पे चले जाइए आप पहले। तो अब हम यहाँ बाला सुंदरी मंदिर में आ गए हैं, तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ, मंदिर में दर्शन कराता हूँ, उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे शाकुंभरी देवी। में बताइए क्या आप इस मंदिर में पहले आए हुए हैं क्या, और शाकुंभरी देवी जाने से पहले यहाँ पर आना होता है, ऐसा कुछ है तो कमेंट में बताइए। अरे वाह, सही दृश्य क्या है ये, आ जाओ उड़िया खाइए, तुम दर्शन कर लो, तुम कर लो। अच्छा अंकल, यही मंदिर है? पंडित जी, मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ बताएंगे? माता रानी यहाँ सबसे छोटे वाली देवी विराजमान है, माँ के त्रिकोण बाधा की गई सभी देवी रूप मिल रहा है। अच्छा, पिंडी को चांदी के कल से ढकी हुई है यहाँ पर देवी, कारण यह है कि यहाँ पर गुप्तांग बताया गया, गुप्तांग पढ़ाया नहीं है, इसलिए यहाँ पर स्नान और शहन भी आपको पट्टी मान जो महाभारत का नहीं मिलते हैं। अच्छा, यहाँ से भी बजरंग बली जी, कितना बढ़िया व्यू है ना। बहुत ही अद्भुत दृश्य है। क्या है भाई, मंदिर में पानी बहुत गहरा हो रहा है। क्या बोला, पूछ लेते हैं, ज़्यादा गहराई है जी इसमें? अच्छा जी, ये हो और अपना दोनों काम ना
शिवरात्रि मंदिर में दर्शन करने के बाद मंदिर के बाहर एक ये हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, इसमें भी हम चले गए। वैसे काफ़ी मंदिर बने हुए हैं और ये मंदिर के बाहर ही बना हुआ था। फिर यहाँ से दर्शन करने के बाद अब हम चल पड़े हैं शाकुंभरी देवी की ओर। बाला सुंदरी मंदिर से अब हम निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं शाकुंभरी देवी की ओर। सीधा ही रास्ता बताया है और शाकुंभरी देवी हम लगभग एक घंटे तक पहुंच जाएंगे। और पीछे बस में हो चुका है भजन कीर्तन शुरू, तो दिखाता हूं आपको भजन कीर्तन के नज़ारे। राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण। बहुत ही शानदार व्यू शाकुंभरी देवी मंदिर हम आ गए हैं। उससे पहले एक मंदिर और जाना होता है। बहुत ही शानदार व्यू है। मैं जा रहा हूँ, तुम आ जाओ। पूजा बाबा भूरादेव जी की। पंडित जी कुछ बताएंगे इस मंदिर के बारे में, कुछ इतिहास? अच्छा 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 पहले शाकुंभरी देवी दर्शन करने से पहले यहाँ पे दर्शन करने होते हैं। जय बजरंग जी। पंडित जी मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ बताएंगे? मंदिर के इतिहास के बारे में? हाँ जी, मैं पहली बार आया हूँ। कहाँ से आया? मैं दिल्ली से आया हूँ, पहली बार आया हूँ यहाँ पे। यहाँ पे ये भोला देवी जी है, माता के भक्त। अच्छा। और इनको माता का वरदान है जी कि पहले दर्शन भोग प्रसाद जो है यहाँ पे चलता है, उसके बाद माता, फिर माता पे जाओ। और इससे पहले हम एक मंदिर पे और होके आए हैं। अच्छा, बाला सुंदरी। बाला सुंदरी जी जी, बाला सुंदरी। हाँ बाला, कहाँ पे पड़ती है ये? पड़ा था जी सहारनपुर वाले रोड पे पड़ा था कहीं। हाँ सही कह रहे हैं। अच्छा, पहले वहाँ पे जाते हैं, फिर यहाँ आते हैं, फिर आगे जाते हैं। ये कहाँ हो? ये मैंने सुना, मैं तो पहली बार आया हूँ। जो लोग आए हैं तो ये नहीं सुना, मैंने ये सुना कि सुना क्या यहाँ का इतिहास। हाँ जी हाँ जी, कि पहले यहाँ के दर्शन हो गए, उसके बाद माता के दर्शन, फिर यहाँ पर माता पे। ये अष्ट भैरव में अष्ट। अच्छा अच्छा, जैसे वैष्णो देवी में वो है। हाँ भैरव बाबा में, बाद में होते बाद में। हाँ और यहाँ पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, तो माता ने इनको वरदान दिया था कि पहले तुम्हारे दर्शन होंगे फिर मेरे पास आएंगे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक।
मंदिर से थोड़ा पहले ही भूरा देव जी का मंदिर बना हुआ है। बताया जाता है जो इतिहास है यहाँ का कि पहले भूरा देव के दर्शन होते हैं, उसके बाद शाकुम्भरी देवी के दर्शन के लिए जाया जाता है। तो भूरा देव के दर्शन हमने कर लिए हैं, अब हम जा रहे हैं शाकुम्भरी देवी मंदिर की ओर। पथरीला रास्ता है, बताया जाता है यहाँ पे पानी भरा रहता है, अभी सूख गया है तो बस आगे जा पा रही है, नहीं तो यहाँ से पैदल जाना पड़ता है। काफी दूरी है, पथरीला रास्ता है, पहाड़ी क्षेत्र है, अंधेरा हो गया है, जंगल की तरह एरिया है और यहाँ से वहां तक पैदल जाना पड़ता है। लेकिन अभी रास्ता सही है तो हम बस लेके वहां तक पहुंच रहे हैं। और आज भीड़ भी कम नहीं, कम है, बहुत भीड़ है ही नहीं ये लगा लीजिए, नहीं तो यहाँ पे चार चार छः छः घंटे पे नंबर आता है। कुछ लोग आप देख रहे हैं, आप आए भी होंगे पहले, कमेंट में बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस है। मैं पहली बार आ रहा हूँ। और यहाँ पर बताया जाता है बहुत देर में नंबर आता है, अभी कोई लाइन नहीं लगी हुई, तो करते हैं दर्शन जहाँ तक फोन ले जा पाएंगे, दिखा देंगे आपको, क्योंकि मना है फोन ले जाना मंदिर में। दोस्तों दर्शन हमने कर लिए हैं और अब हम निकल रहे हैं अपने घर की ओर। तो यहाँ पे हमारी यात्रा संपूर्ण होती है और अब हम जा रहे हैं, ये है शाकुम्भरी देवी और ये रात का रास्ता है जंगलों से भरा। धन्यवाद दोस्तों आपका अभी तक बने रहने के लिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, जल्द ही मिलते हैं आपसे किसी और नए ट्रिप के साथ।